अयोध्या में आठवें दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस समय हमारे साथ साधु संत भी मौजूद हैं और उस जगह पे मौजूद है जहां अवध विश्वविद्यालय के 30,000 वॉलंटियर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अयोध्या पूरी त्रेता की तरह नजर आ रही है, जैसे त्रेता युग में प्रभु राम जब 14 वर्ष पे लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या वासियों ने दीप माला जलाकर उनका स्वागत किया था, उसी तरह कुछ अयोध्या भी नजर आ रही है। महाराज जी, पूरी नगरी त्रेता की तरह नजर आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप? त्रेता युग की आज याद आवे, कहनिया झूम झूम नाच रही, सरजू बहनिया झूम झूम नाच रही, त्रेता युग की आज याद आवे कहनिया, त्रेता युग की आज याद आवे कहनिया, झूम झूम नाच रही, सरजू बहनिया झूम झूम नाच। राजा भी नाचे, प्रजा भी नाचे, राजा भी नाचे, प्रजा भी नाचे, नाच रही सब रनिया झूम झूम नाच रही, सरजू बहनिया झूम झूम नाच। महाराज जी, आठवां दीपोत्सव आप लोग को क्यों खास लग रहा है? देखिए, आठवां दीपोत्सव मुझे खास लग रहा है कि राम जी के जन्मोत्सव का ये प्रथम दीपोत्सव है। आठवां कह लीजिए ठीक है, ये राम जी के जन्मोत्सव का आठवां ही, और आठवां इस नाते माना जाता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अशबर दीन जान की माता। आठवां दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से यहाँ लगातार दीपोत्सव भी हो रहा है। आपने भी एक गाना गाया था सीएम मोदी और योगी को लेकर, वो ऐसा देख करके लग रहा है हमारे दिवाकर मेरे साथ हैं, आज ऐसा लग रहा है कि बड़ा नीक लागे, हे बड़ा नीक लागे राघव तो रगम्मा, बड़ा नीक लागे, हे बड़ा नीक लागे, हे बड़ा नीक लागे राघव तोर गौआ, ओनहू में अच्छा लागे, ओनहू में अच्छा लागे जोगी मोदी तोर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव तोर गौआ, बड़ा नीक लागे। अवधपुरी मम पुरी सुहावन उत्तर दिशी सरजोपान। आज आकाश मार्ग में खड़ा होकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता कौशल्या केके सुमित्रा जगत जननी माँ जानकी महाराज सत के साथ अयोध्या वासियों को याद करके आंख में आंसू भर आए होंगे। कहें कि जब जब राम अवध सुधि करही और तब तब बारी बिलोचन बन। जी कैसा लग रहा है आठवां दीपोत्सव, क्यों खास है? मैं मानता हूँ कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु श्री राम लला जो राम मंदिर में विराजमान हुए, या कदापि भी बिल्कुल ये जो है सामान्य घटना ना समझी जाए। आज कुछ राजनीतिक अभिमानी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, उनको समाप्त करने के लिए ही और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए ही प्रभु श्री राम लला का प्रादुर्भाव हुआ है, और जिसके करतार के रूप में 100 करोड़ हिंदू और जिनका नेतृत्व कर रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी लाल आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे उत्तर प्रदेश के धर्म सम्राट गोरक्षनाथ पीताधीश्वर, उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की अहम भूमिका है। आप देखिए कि 500 वर्षों का एक लंबा संघर्ष, अरे साहब ये तो त्रेता युग से भी लंबा था, लेकिन इस बार आठवें दीपोत्सव में त्रेता की झलक भी देखने को, बिल्कुल पूरी त्रेता झलक नहीं, पूरी त्रेता उतार दी गई है साहब। और ये कलयुग में राम आए हैं, ये कलयुग में राम आए हैं, ये 100 करोड़ आस्था को भगवान न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। ये वो कौन सा गुण था कि हिंदू सनातनी समाज के लिए, शायद ये वो संघर्ष था जिसके लिए हिंदुओं ने यहाँ गोलियां खाई थी साधु संतों ने, राम भक्तों ने, लाखों की संख्या थी वो, और जिनको कुछ
कुछ तो जीवित थे, साफ बोल रहे थे कि मैं जीवित हूँ, उठा के उनको भी फेंक दे रहे थे सरयू जी में। वो सरकारें उन राजनीतिक पार्टियों के अभिमान को तोड़ने आ गए प्रभु श्री रामलला, और ऐसे विराजमान हुए कि अब 30 लाख दीपक के साथ उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार। महाराज जी आए गए रघुनंदन, पूरी नगरी त्रेता की तरह रंग बिरंगी लाइटों से जगमग है, कैसे देख रहे हैं संत समय? पूरी त्रेता कालीन अयोध्या अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरे अयोध्या, उसी जो त्रेता कालीन अयोध्या है उसी तरह माननीय शिष्य मुख्यमंत्री जी ने सजाया है, सवारा है। अयोध्या की अनोखी विकास है, अयोध्या का अकल्पनीय अविस्मरणीय विकास किया गया है। इस बार दोहरी खुशियां है क्योंकि भगवान टेंट से ठाठ में विराजमान हो चुके हैं, और यही खलखल निलाद करती हुई सयुग धारा में 1100 संतों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा उनकी आरती की जाएगी। जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम नगरी है अयोध्या। भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, राम धाम अदा पूरी शुक्रासी, जो जन जन के राम हैं, जो राष्ट्र के मंगल करने वाले हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि एते राम पदे नासो प्रब्रह्मा विधीयते। ऐसे प्रब्रह्म परमात्मा जब अलौकिक भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है।